नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो प्लान है वो आपका 35x40 1400 स्क्वायर फीट टोटल एरिया रहेगा। वहाँ पे आपका 4 BHK हाउस प्लान है। यहाँ पे आपका 4 BHK हाउस प्लान डिजाइन किया गया है। नॉर्थ फेस यानी उत्तर दिशा में इसका एंट्रेंस रहेगा, यहीं पे आपका रोड का सेक्शन, और एंट्रेंस के बाद आपका ये ओपन स्पेस रहेगा बीच में डाइनिंग के लिए। यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम का सेक्शन, एक बेडरूम आपका ये रहेगा, सेकेंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, लास्ट में आपका ये एक अटैच लेट बाथ का सेक्शन। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे आपका सबसे पहले वॉल का एरिया। तो आपका आउटर वॉल का जो सेक्शन है, आउटर वॉल वो आपका रहेगा 9 इंच का सेक्शन। सभी इनर वॉल जो आपके हैं वो आपके आ जाएंगे 4 इंच के सेक्शन। अब हम देखेंगे इसमें कॉलम का सेक्शन। तो कॉलम का सेक्शन आपका ये फ्रंट वॉल में 4 कॉलम रहेंगे, कॉलम के सेक्शंस हैं, उनको आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। साइड में कॉलम आ जाएंगे, लास्ट में भी आपके 4 कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपके कॉलम के सेक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद हम एंट्रेंस के बाद इसमें देखेंगे डोर का सेक्शन। तो एक डोर आपका ये ड्राइंग सेक्शन में, बेडरूम का सेक्शन, एक डोर आपका किचन के सेक्शन में, ये तीनों डोर आपके बेडरूम के सेक्शंस के हो जाएंगे। लास्ट में एक अटैच लेट बाथ का सेक्शन का डोर हो जाएगा। ये डोर, यहाँ पे भी डोर का सेक्शन आपके, इसके बाद हम इसमें देखेंगे विंडोज के सेक्शंस। तो एक विंडोज आपका ये रहेगा, सेकंड विंडो यहाँ पे ये आपका किचन का और ड्राइंग रूम का विंडो, यहाँ पे एक का, लास्ट में जो बेडरूम है वहाँ पे विंडो का सेक्शन रहेगा। अगर आप यही प्लान जो है आपका ब्लेज हाउस प्लान रहता है, यानी कि आपके खेत में हफास खेत में आप इस प्लान को बनाते हैं, तो फिर आपको साइड में भी विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका एरिया खुला रहेगा, तो आप यहाँ पे भी ये विंडो दे सकते हैं। अगर आपके साइड में कोई दूसरे मकान बने हुए हैं तो आप ये साइड वाली विंडोज़ को हटा सकते हैं। तो ये आपके विलेज के अनुसार यहाँ पे भी विंडो रख सकते हैं, और इनको अपन अपने अनुसार हटा भी सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे आपका ये सेक्शन आपका हो जाएगा ड्राइंग रूम का सेक्शन। इसको आप GS यानी कि आप गेस्ट रूम रख सकते हैं। यहाँ पे BR आपका बेडरूम, यहाँ पे आपका बेडरूम का सेक्शन, यहाँ पे आपका थर्ड बेडरूम का सेक्शन, एंड यहाँ पे आपका जाएगा किचन का सेक्शन आ जाएगा। ये बीच में ओपन स्पेस रहेगा आपका, डाइनिंग रूम बना सकते हैं आप इसको। इसका एरिया हम देख लेंगे, तो लास्ट में जो बेडरूम है वहाँ से शुरू करेंगे आपका 11 फीट 3 इंच का लेंथ, 13 फीट 1 इंच का विड्थ। यहाँ पे भी 11 फीट 3 इंच का लेंथ, 13 फीट 1 इंच का विड्थ का सेक्शन, 7x7 में आपका लेट बाथ का सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर का सेक्शन आपका रहेगा ये साइड, आपका ये साइड दोनों आपका 10-10 का सेक्शन रहेगा, 10 सेक्शन 10 का सेक्शन। तो तीसरा बेडरूम है आपका 11 फीट 8 इंच में लेंथ रहेगा, 9 फीट 1 इंच में विड्थ का सेक्शन आ जाएगा। किचन का सेक्शन रहेगा लेंथ में 9x6 का, 9 फीट 6 इंच, और आपका ये सेक्शन रहेगा 8 फीट का। फ्रंट में आपका जो ड्राइंग रूम गेस्ट रूम प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे आपके 9 फीट 8 इंच का लेंथ, 11 फीट 1 इंच का आपका विड्थ, 9 फीट 8 इंच लेंथ, 11 फीट 1 इंच का विड्थ का सेक्शन। ओपन गेट आपका ये जो एंट्रेंस है 9 फीट 6 इंच का रहेगा। यहाँ पे एक पूजा रूम प्रोवाइड किया गया है जो कि 6x5 का एरिया है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 2 BHK यानी आपका 3 BHK यहाँ पर आप गेस्ट रूम वो जोड़ लेंगे तो आपका 4 BHK हॉस्पिटल कंप्लीट होता है। बिल्डिंग कॉस्ट हम देख लेंगे इसका 15 से 17 लाख, जो कि आपकी लोकेशन के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है।
तो ये आपका आज का हाउस प्लान होता है, और आप ऐसा कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।